नमस्कार दोस्तों, आपका न्यू व्लॉग में स्वागत है। आज अभी ये शाम का समय है, बड़ा ठंड अभी से पड़ने लग गया है और अभी हम हैं हमारे खेतों में बगीचे की तरफ। तो आपको हम दिखा रहे हैं कि आज हमें बहुत सारे काम करने हैं। आज हमारे खेत में गेहूं में भी पानी लगाना है और उसके बाद में सरसों में भी लगाना है थोड़ा बहुत। और देखो, आज तो हमारी ये सरसों जो आपको जो सामने दिख रही है, वो जो बगीचे के पेड़ों के नीचे से देखो वो सामने है, तो उसमें आज रात को गायें बहुत उसके नुकसान कर दिया है, तो वो भी ज़रा शाम को ठीक करना है। और उसके बाद में गेहूं में पानी करेंगे और नहा धो के फिर आएंगे, फिर देखते हैं आगे। तो ज़रा सी हम जो कटीले तार लगे हुए हैं उनको हम ठीक करते हैं। तो चलो आप खेतों की तरफ चलते हैं। आप देखो दोस्तों, आपको सामने दिख रहा है ये खंबा, खंबे पर जैसे तार बंधे हुए हैं ना, और इधर ही हमारा ये पेड़ है करंदे का। इसमें बहुत साल के 365 दिन इसके अंदर करंदे मिलते हैं। ये बहुत अच्छा पेड़ है। और देखो ये वाले जो तार है ना, देखो इधर से गाय ने तोड़ दिया, ये इधर तार बंधे हुए हैं। देखो ये बंधा हुआ है और आगे देखो तार नहीं है ना, तो वहाँ से गाय ने खंभा तोड़ दिया है, तो वो आपको अब दिखाने जा रहा हूँ आगे। तो आज यहाँ गायों ने घुस के बहुत सरसों को है ना नुकसान पहुँचाया है। देखो यहाँ से गायब है ना। देखो ये सामने आपको दिखाऊं, ये वाला गाय ने तोड़ के फेंक दिया है, ये वाला देखो, ये वाला लकड़ तो दिख रहा है, इसके तार बंधे हुए हैं। देखो ये तो ये गाय ने तोड़ दिया है। और यहाँ पर ये देखो, ये सारा नुकसान जो आपको खाली खाली जगह दिख रही है, तो ये सारा सरसों ख़त्म कर दिया खा के। ये हमारी सरसों की खेती है और ये हमारे पेड़ पौधे हैं। देखो ये सामने हमारा जो पीपल का पेड़ है बहुत बड़ा, जो ये हमारे दादाजी ने लगाया था, दादाजी ने। और ये वाले जो पेड़ हैं हमने लगाए, ये देखो ये वाले। और आपको हमारी ये छोटी छोटी जो खेती ये हमने कर रखी है जो सब्जियों वाली, उसमें भी आपको हम बताते हैं कुछ जो हमारे घर के आसपास में जो लगाते हैं ना, वो भी देखो हम आपको दिखा रहे हैं। देखो ये जो ये बो रखा है, ये धनिया है, ये वाला, ये क्या है, धनिया। ये धनिया पत्ती हम लोगों ने लगा रखी है यहाँ पे घर में खाने के हिसाब से। और ये लगा रखी है लहसुन, देखो ये वाला लहसुन पत्ती है ये। और ये आलू लगा रखे हैं जो आपको दिख रही है, ये आलू है, वो भी लहसुन पत्ती है। और ये देखो, ये अपने बोलते हैं बथुआ, ये बथुआ के पेड़ लगा रखे हैं, जिससे हम कभी जैसे कड़ी वड़ी बनाते हैं तो हमारे यहाँ यहीं से हम काम में ले लेते हैं। और कुछ पेड़ हमने टमाटर के भी लगा रखे हैं और हरा धनिया, सारी व्यवस्था है जी, मतलब घर पे यहाँ हम लहसुन है, प्याज है, आलू है, ऐसी छोटी मोटी सारी चीज़ें हम घर पर लगा लेते हैं। और जस्ट हमारे घर के पीछे भी थोड़ी सी ज़मीन बाकी जो थी ना, उसमें देखो हमने ये सरसों लगा रखी है जो आपको दिखाई पड़ रही है, देखो एकदम दीवार के पास से, तो वो हमारी, ये भी हमारी सरसों है। सामने देखो मोर दिखाई पड़ रहा है आपको, ये वाला देखो मोर, ये मोर भी यहाँ देखो सरसों खा रहा है। देखो ये इसमें मोर बैठा हुआ है और जो सरसों खा रहा है, देखो ये। और एक मोर हमारे घर के ऊपर बैठा हुआ है उधर, ये हमारा घर है। देखो ये पूरा का पूरा हमारा घर है जो हमारे खेतों से एकदम बिल्कुल खेत में ही है। ये वाला, और ये हमारा जो छोटा भाई है,
और ये हमारा पूरा का पूरा बेल्ट खेती का है देखो ये। और ये हमारा जो बगीचा था ना उसकी कटाई करवा दी है हमने गजब से देखो। आना आ रही है ना, हाँ देख पूरी कटाई करवा दी है। कतरी और गजब उसमें ही आ देखो रही मोर बैठा हुआ है ऊपर, देखो नीम के पेड़ में भी मोर बैठा हुआ है यहाँ पे। है ना। और सामने देखो एक दो मोर हमारे घर के ऊपर भी आ चुके हैं, देखो वो दिख रहे हैं आपको, हमारे घर के ऊपर भी मोर आ चुका है। और अब आपको हम दिखाएंगे आगे हमारे खेत में, हम पान करेंगे और फिर नहा धो के घर आएंगे। याद ना ये गेहूँ है हमारे, ये गेहूँ में समय पानी दे दिया है और अब लाइट चली गई है तो अब मैं नहा लेता हूँ। अब हम नहा रहे हैं देखो उदे में, देखो तुम भी नहाओ फटाफट, नहाओ बेटा नहाओ जल्दी, चले घर जाके रोटी खाएंगे, आज तो बहुत लेट हो गया, दिन के 2 बज गए हैं, लाइट अब गई है तो अब हम जल्दी जल्दी नहा के देखते हैं, देखा घर चलते हैं, रोटी सब्जी तैयार होगी होगी फिर रोटी खाएंगे। ये हमारा नहाने का कुंडा है जिसमें हम नहाते हैं, ये हमारे गेहूँ है, उधर से सरसों है, इसमें सुबह से लग रहे हैं पानी देने के लिए, तो पानी दे दिया, अब लाइट चली गई हमारी, देखो नल में पानी नहीं आ रहा है, लाइट चली गई है, तो अब हम नहा लेते हैं और नहाने के बाद अब घर जाके खाना खा के फिर आएंगे। खा लेते हैं, देखने बन गई होगी, पानी आनी मोड़े नहाया धोई कर, और देखो यहाँ तो गाने खान गई थी ना, रोटियां की खान करी को करी खाई बताओ भाई अब तेरे सही कौन। अरे कसू से, अरे खाना खा गई देखा नहीं, यहाँ तो स्वाद भी कौन, मैं रोटी आज खाई चक्कर है, मैं तो रोटी करी मैं साग रंग मैं फेवी को मैं तो सारी रात होगी पानी मोड़ता, और अब लाइट गई ना दो रात ना रोटी टुकड़ा भी कौन, चल आज तो बस लड़ाई करनी करनी से, आज बस लड़ाई करनी करनी से, देखो दसा नहीं कब खा गई वाह, देखो तो राम चाहे तो खाई ना ना खाई ना, वो दो गई है कि वह को वाह आराम आराम सुबह काम करता जोर आओ रोटी पानी कर कौन, अब देखो दसा नहीं। दोस्तों ये हमारे जो खेत है ना इसके अंदर हम नया बोर कटवा रहे हैं, यहाँ के अब बोरों में पानी की जो कमी हो चुकी है ना वो गहरे कम है, तो अब ज़्यादा गहरा करवाने के लिए हमने DTH मशीन मंगवाई है जो आप सामने जो देख रहे हो, देखो ये वाली जो मशीन है ये हमारे खेत के लिए बोर काटने के लिए बुलवाई है, अब ये बोर काटेगी उसके बाद में यहाँ पानी की ज़्यादा व्यवस्था हो जाएगी। तो ये देखो ये प्रेशर मशीन जो कंप्रेसर है वो आ चुका है, और अब ये बगल में ये हमारे यहाँ मशीन लगा चुके हैं, देखो ये हमारे खेत के नुक्कड़ पर ये मशीन लग चुकी है और ये बोर बना रही है। अब देखो ये जो सामने आपको जो कुछ चमकता हुआ जो दिखाई दे रहा है ये पानी है, हमारे बोर में पानी आ चुका है और पानी भी अच्छा है, मीठा है, बढ़िया है। तो अब ये मशीन अभी कंटिन्यू चल रही है और पानी का जो रफ्तार है वो धीरे 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 बहुत बढ़ रहा है। ये देखो सामने मशीन है, DTH मशीन है जो चल रही है, देखो ये और सामने जो DTH मशीन के प्रेशर से बहता हुआ जो पानी आपको जो दिखाई पड़ रहा है तो इसका मतलब हमारे बोर में काफ़ी अच्छा पानी हो चुका है, देखो ये पानी हो चुका है। हमारे वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना। देखो ये मशीन की ये पाइप जो दिख रहा है ये वाला पाइप कंप्रेसर का पाइप है जो जाके अपना DTH मशीन में कमांड होता है, इससे वो प्रेशर आता है ऊपर जो बोर का पानी चलाता है।